तो हाँ बच्चों, नारियल का तेल हमें हमेशा मार्केट में मिल जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां इस ऑयल को बनाती हैं और हम यूज़ भी करते हैं, पर कई बार हमारे पास नारियल ज़्यादा हो जाते हैं तब भी हम बना सकते हैं, या कोई हमें बहुत ज़रूरी नारियल का तेल किसी वजह से चाहिए, प्योर चाहिए, बिना केमिकल के चाहिए, तो हम घर में कैसे बनाएं? मैं बताती हूँ, आज नारियल के तेल को हम बिना किसी टेंशन के घर में बना सकते हैं। आज भी चलो, कैसे हो? चलो चलते कुछ नया सा करने। जब हम कोई भी चीज़ खुद बनाते हैं तो हमें ट्रस्ट होता है कि इस नारियल के तेल में कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है। तो सबसे पहले नारियल को देखिए, यहाँ पर तीन आइज होती हैं, उसमें से एक आइज जो होती है बहुत सॉफ्ट होती है। जैसे ही आप नाइफ से उसे खोलते हो तो उसका पूरा पानी निकल जाता है। नारियल का बुरादा कैसे बनाया जाता है घर में, उसे स्टोर करके कैसे हम काफ़ी दिनों के लिए रख सकते हैं आगे आने वाले दिनों के लिए, तो वो भी मैंने वीडियो डाल रखा है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। कोकोनट मिल्क कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास हैं। आगे मैं और भी बताऊँगी कि नारियल के और क्या यूज़ हो सकते हैं। तो देखा ना आपने, पूरा अच्छे से हमने नारियल का पानी निकाल दिया, उस पानी को आप यूज़ कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। और इस नारियल को मैं इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में कर देती हूँ। अब इसे एक मिक्सी के जार में डाल देते हैं, थोड़ा पानी डालने के बाद इसे पीस लेते हैं और एक पतले कपड़े में इसे डाल देते हैं, जिससे हम पनीर वगैरह छानते हैं, या एक पतली चुन्नी भी ले सकते हैं। ये बन गया हमारा कोकोनट मिल्क। इसको हम फर्स्ट मिल्क कहते हैं, मतलब प्योर मिल्क, गाढ़ा वाला। अब इसे वापस हम इसी नारियल को मिक्सी में डालेंगे और फिर दूसरा पानी डालेंगे और फिर इसे पीसेंगे। ऐसा प्रोसेस आप तीन बार कर सकते हो। फर्स्ट वाला जो कोकोनट मिल्क होता है काफ़ी गाढ़ा होता है, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, तो धीरे धीरे वो हल्का होता जाता है। कुल मिला के ये हमारे पास बहुत ही बढ़िया नारियल का मिल्क हो गया, और ये हमारे पास नारियल का पानी है, और ये जो बचा हुआ है ये भी नारियल का बुरादा है, लेकिन छिलके समेत है, इसलिए आप किसी में भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन वाइट कलर का ये नहीं बनेगा। वाइट कलर का कैसे बनता है ये मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है। अब चलते हैं, हमें तो इसका ऑयल बनाना है, तो अब पहले ऑयल की तरफ जाते हैं। अब इसे आप किसी भी कांच के जग में रख सकते हैं, पॉलीथिन में रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसी दूध को पूरा भर के जग में रख दिया है, जो कि मैंने ऑलरेडी पहले फ्रिज में रखा हुआ है। मैं आपको वो दिखाती हूँ पूरा ओवरनाइट होने के बाद वो कैसा लग रहा है। आपने देखा, तीन पार्ट नीचे पानी आ गया है, ऊपर एक पार्ट इसकी मलाई रह गई है। तो सबसे पहले हमें इस मलाई और पानी को अलग करना होगा। अगर आप किसी पॉलीथिन में रख रहे हैं, उस पॉलीथिन को कहीं भी आप हैंग कर सकते हैं, पर मुझे जग में रखना ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैंने जग में रख दिया था। ओवरनाइट रखने के बाद ये इतनी बढ़िया गाढ़ी मलाई ऊपर आ गई है, उस मलाई को हम निकाल लेते हैं। और मलाई को निकालने के बाद जो नीचे पानी था उसे हम हटा सकते हैं, या किसी सूप में डाल सकते हैं, सब्जी की ग्रेवी में डाल सकते हैं। वो भी बहुत ही हेल्दी नारियल का पानी था, टेस्टी भी था। अब इस जो मलाई को हमने एक बर्तन में रख दिया और गैस पर चढ़ा दिया। अब बस कुछ नहीं करना, बिना मिलाए इसे हम सिर्फ चलाएंगे गैस पर, जिस तरीके से हम मलाई निकालते हैं उसी तरीके से हमें इसे चलाते रहना है, और आप देखेंगे कि बहुत ही बढ़िया नारियल का तेल हमारा तैयार हो जाएगा। साउथ में एक खास तरीके का बर्तन होता है जिसमें नारियल का तेल बनाया जाता है। अब यहाँ पर हर जगह वो बर्तन तो नहीं होगा, हम नॉर्मल मोटे तले के कोई भी बर्तन को लेकर इसमें से हम नारियल का तेल बना सकते हैं। ये देखिए, बिल्कुल मलाई में से जैसे हम घी निकालते हैं, उसी तरीके से इसी नारियल की मलाई से हमने घी अलग कर दिया, नारियल का तेल अलग कर दिया, और उसका जो नीचे वाला पार्ट जो होता है वो अलग कर दिया है। हमें जलाना भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया शुद्ध नारियल तेल निकल कर तैयार हुआ है, कोई केमिकल नहीं, कोई मशीन नहीं, कोई खास बर्तन नहीं। तो ये देखिए, अगर आपको ख़ास टाइम के लिए कोई ऐसा ऑयल चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा ट्रांसपेरेंट, तो आप इस तरीके से नारियल में से खुद घर में तेल निकाल सकते हैं। और इसे अगर आप रब करेंगे ना, तो इतना मज़ा आएगा, आपको खुद एहसास होगा कि वाकई आज कुछ लगा रहे हैं हम हाथों में।
और पूरा किचन जो है ना महक रहा है नारियल से, क्योंकि इसकी खुशबू इतनी ज़्यादा है, बहुत ही अमेजिंग। हमने कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर इसमें नहीं डाला है। और इसे आप बढ़िया अच्छे से, आप तैयार हो गया है, इसे आप काफ़ी दिनों तक यूज़ कर सकते हो। इसे पकाने में कोई कंजूसी ना कीजिए और इसे ध्यान से पकाइए। जलाना भी नहीं है लेकिन कच्चा भी नहीं रखना है। अगर कच्चा रखेंगे तो स्मेल आएगा और अगर जला देंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान से आपको बनाना हो। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें।